दोस्तों, जैसा कि अब इस समय पे हम साइबर कैफे या अन्य काम करते हैं, तो हमें सभी चीज़ों में एक मोबाइल ओटीपी की जरूरत पड़ती है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और आप अगर आप कोई एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं या कोई अन्य चीज़ का यूज़ करते हैं, तो आपको बार बार मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन जाता है या मोबाइल पर ओटीपी जाता है। तो बार बार आपको मोबाइल उठाना पड़ता है, फिर मोबाइल का ओटीपी देख करके आप कंप्यूटर में एंटर करते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपका फ़ोन चार्जिंग पर लगा है और आपको ओटीपी लेना है, तो बार बार उठ के आपको जो है मोबाइल की तरफ जाना पड़ता है। तो इन समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। आप सारे मोबाइल के ओटीपी आप अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सही तरीके से। आपकी कोई भी प्राइवेसी लीक कहीं नहीं होगी। तो उसके लिए हमने अपने कंप्यूटर में दो ऑप्शनों का यूज़ किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको लिखना है फोन, या जैसे लिखा है फोन, या आप यहाँ पर लिंक भी लिख सकते हैं LINK। जैसे आप लिखेंगे तो वही सेम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर खुल करके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आप चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद आप अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप योर फोन भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिंक टू डिवाइस या विंडो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा लिंक टू विंडो, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने का इंतजार करें, और यह मैं प्रोसेस कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छा मुझे लगा इसे, मैं यूज़ कर रहा हूँ। और देखिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, नीचे आ रहा है ओपन पर क्लिक करेंगे, और इधर आप जाएंगे डिवाइस पर। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से डिवाइस लॉगिन की है, फिर आपको यहाँ पर करना है ऐड, नीचे लिखा हुआ है ऐड डिवाइस। और अगर आपसे ये साइन इन के लिए कह रहा है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पे अपनी ईमेल आईडी से साइन इन कर सकते हैं ऐड डिवाइस पर। जैसे क्लिक करेंगे और इधर देखिए मोबाइल स्क्रीन पर साइन इन से नीचे लिखा हुआ है साइन इन यूजिंग QR कोड ऑन योर पीसी। तो वहां पर QR कोड जनरेट हो चुका है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे QR कोड पीसी पर, तो हमसे एक सेटिंग अलाउ के लिए कहेगा। सेटिंग अलाउ करने के बाद हम QR कोड स्कैन कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे से कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कोड जनरेट होगा मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए या कन्फर्मेशन के लिए। वह कोड आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो है टाइप कर देंगे। इससे कन्फर्म हो जाएगा कि आप अपने कंप्यूटर को अपने ही मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं, आपका मोबाइल कोई और लॉगिन नहीं कर पाएगा, इसलिए कन्फर्मेशन दिया। अब देखिए अभी आपने जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज किया था, उसका पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पर आपने बनाया था, या आप सेंड ओटीपी या गेट कोड पर क्लिक करेंगे, तो आपके सेम ईमेल आईडी पर जो आपने यहाँ पर साइन इन की थी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर, उस पर एक कोड चला जाएगा। उस कोड को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर में ईमेल खोल लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए कोड हमने पहले यूज कर लिया था। और अब इसके बाद एक कोड हमारे पास और आएगा, जो कि ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा है। जैसे मैं HDFC लॉगिन करता हूँ या आयुष्मान कार्ड का पेज लॉगिन करता हूँ, तो उसमें बार बार ओटीपी आ रहा था, फोन मेरा चार्जिंग पे लगा था तो उसे उठाना पड़ रहा था। देखिए ओटीपी हमें प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ जो स्क्रीन पर ओटीपी है वो एंटर करेंगे। हमने यहाँ पर पुराना वाला डाल दिया, नया वाला ओटीपी है 346886। तो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे, जो वेरिफिकेशन है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोड डालने के बाद आपको मोबाइल में साइन इन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपके कंप्यूटर में जो है डिवाइस लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फोन आ गया, इसे कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर जो स्क्रीन है उसमें अपने आप ही एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, बैकएंड पर मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, और वो डिवाइस जो है परमिशन मांग रहा है। यहाँ पर जो जब सारी परमिशन है आप यहाँ पर दे दें, तभी आपका जो है SMS और अन्य चीज़ें जो भी इसमें लिखी हो गई, और यहाँ पर अलाउ करते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि आप जो है बैकएंड पर इस एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पूछ रहा है। कुछ सेटिंग आ गई, आप सेटिंग देख लें अपने हिसाब से। और यहाँ पर गिव अस ए मोमेंट टू प्रिपेयर योर डिवाइस, जो आपकी डिवाइस है वो कंप्यूटर से प्रॉपरली मैप्ड हो चुकी है। और यहाँ पर कुछ सेटिंग के लिए कहेगा आप, अगर काल इसमें कॉलिंग भी आप देख सकते हैं, फोटो गैलरी देख सकते हैं, SMS देख सकते हो। देखिए इस समय SMS वाला मैंने ओपन किया है, आप यहाँ पर SMS देख सकते हैं। इसे मैं एक बार आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना उसका अकाउंट लॉगिन करता हूँ, आयुष्मान भारत का, उसमें OTP हमें आता है, और उसमें तो बहुत ज़्यादा OTP आते हैं। अगर हम उस पर काम करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा OTP उसमें हमें प्राप्त होते हैं।
तो यहाँ पर हम वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद तुरंत से देखिए पहले कंप्यूटर में ओटीपी गया, फिर मोबाइल स्क्रीन पर ओटीपी आ गया। तो यहाँ से हम ओटीपी वहां पर डाल लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने सही ओटीपी यूज किया है। चाहे आप मोबाइल स्क्रीन का या कंप्यूटर स्क्रीन पर, दोनों में से कोई से भी ओटीपी यूज कर सकते हैं क्योंकि सेम ओटीपी हमारे दोनों जगह पर ही आ गया है। तो यहाँ पर कैप्चा डालकर आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि ओटीपी हमने यही यूज किया है, कोई अलग से इसमें कुछ नहीं किया है। तो आप इस तरीके से अपने मोबाइल को, मोबाइल के ओटीपी को या मोबाइल के नोटिफिकेशन को आप अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। इसमें आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो एसएमएस का, दूसरा कॉल का, तीसरा दिख रहा है फोटो का। आप अपने मोबाइल के फोटो भी अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं और वहां से डाउनलोड करके, अगर आप फोटो स्टूडियो का काम करते हैं या साइबर कैफे का काम करते हैं तो वहां पर फोटो का काम जरूर करते होंगे। तो यहाँ पर आपकी मोबाइल गैलरी के सारे फोटो आ गए, यहाँ से डाउनलोड करके आप उनके फोटो पर काम कर सकते हैं। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी इसमें कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।